हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा था आपको? सर, ये साइड लेग में पेन आ रहा है। साइड लेग में पेन आ रहा है? कितने टाइम से हो रहा है आपको पेन? ये अभी तो जो ट्रीटमेंट लिए थे अभी जस्ट एक दो मंथ से थोड़ा ज़्यादा है। नेक और बैक और ये पूरा साइड लेग पूरा आ रहा है। साइड में यहाँ 3-4 ट्रीटमेंट हो चुका है आपका? हाँ, 3 सेशन हुआ था, 4। हाँ, ये पाँचवा हो। ये पाँचवा है, मतलब पहले हाँ, जो पहले, वो स्पेन से थोड़ा फर्क है। उस पेन से? हाँ, उस पेन से फर्क है। मैंने जो मैंने आपको बताया भी था कि प्रॉब्लम थोड़ा काफ़ी है। हाँ, तो थोड़ा पेशेंस रखना है। हाँ, उसके बाद में ठीक। जैसे मैं इनका एक्सरे दिखा रहा हूँ, इनका एक्सरे है नेक के रीजन में, जैसे आते हैं देखते हैं सारा नेक इनका, एक दूसरे के ऊपर स्पेस काफ़ी कम हुआ है। और टेलबन का देखेंगे तो टेलबन काफ़ी टिल्ट होकर इंटरनली प्रेस हो गया है। और इसके बाद जैसे ही स्पाइन पे आते हैं, जिसमें भी चेंजेस देखें आप, गैप स्पेस जो है काफ़ी डिक्रीज हुआ है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम आ रहा है। और इसके साथ जैसे ही हम लोग डॉर्सल स्पाइन पर जाते हैं, डॉर्सल स्पाइन का एक्सरे देखते हैं, तो इसमें इनका थोड़ा एस्कोलियोसिस भी डेवलप हुआ है, डॉर्सल एस्कोलियोसिस। मैम, आप लेट जाएंगे स्ट्रेट। दोनों हाथ को नीचे, यस, बॉडी को रिलैक्स, क्लोज क्लोज करते हैं। जब एक्सरसाइज की तो कट आवाज आ रहा है। हाँ, ये साइड वाले, ये वाला एक्सरसाइज करने से इस पे पेन आ गया। रिलैक्स हो गई है, एकदम रिलैक्स। नींद कैसे है आपका? नींद थोड़ा गड़बड़ है। अब आपको उल्टा लेट लेना। करवट लेना मैम, मेरे तरफ आपको इधर ऐसे और नीचे और कंधा नीचे। हाँ ठीक है, ऐसे ऐसे इसको लॉक करो वापस, ऐसे नीचे का पैसे रखो, नीचे का सीधा ना, बस बॉडी को एकदम रिलैक्स होते रिलैक्स, नीचे हाथ नीचे, बस एक लंबा सांस लेना छोड़े में, बस 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 उधर घूम जाएंगे। और आ गया चेंज, नीचे का पैर सीधा, इसको ऐसे, इसको ये मैं एक मैं इसको ऐसे, इसको लॉक, इसको बस ये रिलैक्स स्ट्रेट। एक लंबा सांस छोड़ेंगे, सांस बस 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 सीधा लगेंगे स्ट्रेट। कौन सा लेग में ज़्यादा आता है? ये पूरा पैर को मोड़ना है, इसको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है।
अभी भी इतना डिफरेंट है ना आपको? अच्छा एकदम रिलैक्स हो दीजिए। लो छोड़ी लोज लोज देखिए अभी ठीक है। गैस एसिडिटी तो नहीं है ना? दोनों हाथ नीचे रिलैक्स हो दीजिए। एक लंबा सांस लीजिए छोड़िए। दर्द रिलैक्स हो दीजिए। बस रिलैक्स उठ के बैठेंगे आप पैर नीचे उधर पैर नीचे मैं यहाँ खड़ा हूँ कोई फिक्र हो जाइए आपको यही रहना है चलना नहीं है ठीक है। रिलैक्स बस टक टक पूरा निकल गया। अब चलिए और बताइए चलेंगे थोड़ा ठीक है। अभी आपको थोड़ा तो हल्का लग रहा है और भी हम लोग एक नेक्स्ट मंथ या वन एंड हाफ मंथ के बाद आपको बुलाएंगे। ओके मैम थैंक यू। कुछ संदेश देना चाहेंगी आप जिन जो इस टाइप से प्रॉब्लम में हैं? हाँ मुझे लगता है कि उनको ट्रीटमेंट देना चाहिए और ये सेफ भी है और थोड़ा बॉडी भी रिलैक्स हो जाता है। बहुत लोग डरते हैं कि बहुत पेन होता है, ऐसा तो कुछ नहीं। बहुत ज़्यादा पेन तो नहीं होता है बट हाँ जिनको प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा फील होता है बट बहुत ज़्यादा पेन तो नहीं होता। थैंक यू मैम।